भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर पतंजलि ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी है। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने पतंजलि की ओर से अखबार में विज्ञापन देकर बिना शर्त माफी मांगने की बात कही गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि ग्रुप से एक सवाल पूछा कि क्या आपने न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन देकर माफी मांगी है वह उसी साइज का विज्ञापन है जैसा विज्ञापन आपने पहले दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। योग गुरु बाबा रामदेव पर मंडरा रहे संकट के बादल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत में उनका कोई दांव पेच नहीं चल रहा है। हालांकि बाबा रामदेव कोई ना कोई तिकड़म लगाकर पहले भी कोर्ट से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट उनके सभी हथकंडों को समझते हुए उन्हें बार बार लताड़ लगा रही है। आलम यह है कि रामदेव ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी भी मांग ली है, लेकिन कोर्ट को रामदेव की माफी मंजूर नहीं। भाई, देश के करोड़ों उपभोक्ताओं की जिंदगी का सवाल है। आईएमए के खिलाफ दुष्प्रचार करके अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने वाले रामदेव की सारी चालें अब कोर्ट समझ चुकी है। इसलिए कोर्ट ने पतंजलि ग्रुप को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है। आज जब मामले की सुनवाई हुई तो पतंजलि आयुर्वेद के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पिछले विज्ञापन में की गई गलती और उसके बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सोमवार को कुछ न्यूज़पेपर में विज्ञापन देकर माफी मांगी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव दोनों ही मौजूद थे। रामदेव के वकील की बात सुनकर कोर्ट ने पूछा, आपके विज्ञापन का साइज क्या है? क्या ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा विज्ञापन आपने भ्रामक प्रचार करते हुए दिया था? क्या आपने उसी साइज में विज्ञापन देकर सार्वजनिक माफी मांगी है? इसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि पतंजलि की तरफ से कुल 67 पब्लिकेशन में विज्ञापन दिया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने आदेश दिया और कहा कि आप 2 दिनों में विज्ञापन की कटिंग और उससे जुड़े रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करें। हम आपके माफीनामे का असल साइज देखना चाहते हैं कि आपने कितना बड़ा विज्ञापन दिया है, क्योंकि फोटोकॉपी से साइज बड़ा हो सकता है और वो हमें मंजूर नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका माफीनामा माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढना पड़े? इसलिए आपके विज्ञापन का साइज देखना जरूरी है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एफएमजीसी कंपनियां कई गुमराह करने वाले हेल्थ संबंधित दावे भी करती हैं। अब हम उसे व्यापक नजरिए से देखना चाहते हैं। कोर्ट ने उपभोक्ता मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। सुप्रीम बेंच ने इसमें केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पतंजलि के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई और इसे कोर्ट की अवमानना मानी। कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि एमडी आचार्य बालकृष्ण की ओर से बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामे को भी स्वीकार करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो लगातार इससे बचने की कोशिश करते रहे। कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो हाथ जोड़कर कोर्ट में माफी मांगते नजर आए दोनों और विज्ञापन देकर सार्वजनिक माफी भी मांगी। लेकिन अब कोर्ट देखना चाहता है कि रामदेव के माफीनामे का साइज क्या है। उसी के बाद पता चलेगा कि बाबा रामदेव को कोर्ट से किसी तरह की रियायत मिलती है या उनकी चालबाजियां आगे भी उनकी मुश्किलें बढ़ाती रहेंगी। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।